गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कुछ चीजें बताई थी। पहले तो मैं आप लोगों की क्वेरीज ले लेता हूँ। एक बच्चे ने क्वेरी किया था कि फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार कराया था कि डायरेक्ट नहीं करना है, जैसे 102 ऐसा क्वेश्चन एक मैंने दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो एक बच्चे ने अभी क्वेरी किया था कल डिस्कशन ग्रुप में कि क्या था कि इसको आपने कैसे सॉल्व किया। बेटा आप लोगों को एक बात पता है कि 100 + 2 क्या होता है, बताइए 100 + 2 क्या होता है, 102 होता है। बस मैंने कुछ नहीं किया था, इसको ब्रेक किया है टू पार्ट्स में, क्योंकि 102 को आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर निकालना होगा तो 102 को आप ऐसे सॉल्व करके पूरा आंसर ऐसे करेंगे, तो इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है आप लोगों को। बस इसलिए मैंने ये वाला मैथड सिखाया है। और ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि विदाउट स्क्वायरिंग द नंबर एंड यूज द फॉर्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग या एवेल्युएट द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये 102 ऐसे लिखा रहेगा, तो आप लोगों को ये एडिशन का साइन बनाना है अगर ऐसा है। देखिए मैं दो चीजें पैरेलल लेके चलता हूं आप लोगों की, एक एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, दोनों पैरेलल समझिएगा। एक तरफ मैंने क्वेश्चन दिया कि 102 का होल स्क्वायर फाइंड करिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन मैंने एक दिया था कि 96 का स्क्वायर फाइंड करिए, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन मैं पैरेलल लेके चलूंगा, इसमें 2 ज्यादा है 100 से, 2 ज्यादा है 100 से, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, 100 में ऐड कर दिया है 2 और इसका स्क्वायर कर दिया। इस इधर देखिए अब इसमें क्या है, 100 में 4 कम है, तो 100 में हमने क्या किया, 4 माइनस कर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को ध्यान से। अब इसमें मैंने एक फॉर्मूला है जो आपके अलजेब्रा में है, वो फॉर्मूला क्या था कि ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है जो कि ए इसको हमने माना है और बी इसको माना है, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला यहां अप्लाई हो रहा था, और इस वाले क्वेश्चन में सेम चीज होती है, बस माइनस का साइन लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी एक फॉर्मूला था। हम लोग इसी फॉर्मूले की बात इस क्वेश्चन में की जा रही थी जो कल आपको दिया गया था कि 102 को कैसे हम लोग ने ब्रेक किया, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया। एक बच्चे ने पूछा था कई बार कि सर ये फॉर्मूले कहाँ से आए, तो आप लोगों ने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है उसमें ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है, जब कुछ जिसने पढ़ा है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वहां पर ये फॉर्मूलेस गिवन है, 3 फॉर्मूलेस गिवन है, ये वाला भी गिवन है, ये वाला भी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला भी एक फॉर्मूला है। अभी यहां पे जो अप्लाई होगा ये वाला फॉर्मूला होगा, ए हमने इसको माना है, बी इसको माना है, ठीक, तभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर का फॉर्मूला 100 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 42 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है 100, बी क्या है 2। इधर आइए आप, इसमें सेम 100 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 4, ठीक। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस 4 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे यहां पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पर फॉर्मूले में लगा दिया है, बस वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ आ रही थी जो कि मैंने आपकी सॉल्व कर दी। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें जो आपको पढ़ाएंगे हम आगे क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी नंबर में अगर आपके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 ये नंबर्स आते हैं, कौन से 2, 3, 7 और 8, तो आपका ये जो नंबर होगा, ये कोई भी नंबर होगा, कैसा भी नंबर, अगर जैसे आ गया ये या ये या ये या ये, कोई भी इनमें से आप चेक कर लीजिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर आप ये देख लीजिए, क्योंकि जो इनका यूनिट प्लेस है, यानी ये जो प्लेस है ये वाली, यहां पे इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा,
तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। ये क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, ध्यान से समझिएगा। और दूसरी चीज, एक और प्रॉपर्टी दूसरी नोट करिए, अगर आप लोगों को फोर्स, सेकेंड प्रॉपर्टी नोट करिएगा, फोर से डिवाइड करने के बाद क्या, इफ डिवाइडेड बाई फोर, इफ डिवाइडेड बाई फोर, इफ डिवाइडेड बाई फोर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर रिमाइंडर टू और थ्री आता है, क्या आता है टू और थ्री, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई नंबर जैसे दिया हुआ है, फोर से आपने डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर टू और थ्री आ गया, तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती हैं, चाहे वो एमसीक्यू में आए या फिर आपके सॉल्यूशन में आए, क्योंकि ये आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक है, एक तरीके से आप समझिए कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई इसमें टफ नहीं है। अगर तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, इफ नंबर एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब अगर किसी में ऑड नंबर जीरोस है जैसे ये, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो क्या होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर जीरो से एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी है, सब लोगों ने पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स का नाम सुना होगा, पाइथागोरस। अच्छा एक चीज और है, फ्रैक्शन की बात अगर करें हम, एक प्रॉपर्टी ये भी नोट कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसका स्क्वायर किया जाए, जैसे कि 2 बाई 3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, जैसे 2 बाई 3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 4 बाई 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा छोटा होगा इससे, क्या होगा, इस नंबर से अगर इसका स्क्वायर ना किया जाता और अगर बिना स्क्वायर किए ये नंबर हमेशा बड़ा रहता, ये हमेशा बड़ा रहेगा और ये हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर ऑफ इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमेशा क्या रहता है, बड़ा, और ये क्या रहता है, छोटा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की, किसकी बात करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की। तो आपको, आपने कई जगह फॉर्मूला पाइथागोरस पिछली क्लास में भी लगाया होगा, और नहीं लगाया है तो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये हम लोग एक ट्राइंगल बेसिस थ्योरम है, क्या है ये, एक ट्राइंगल बेसिस थ्योरम है। जो ट्राइंगल बेसिस थ्योरम कैसा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा दिया होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग ए बी और सी ऐसे लिख लेंगे, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री होता है, क्या होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इसको 90 डिग्री कहा जाता है। कोई भी लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखिए ये 90 डिग्री होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत इजी होगा, ये आपको तुरंत ट्रायंगल ऐसे बनाना है, ए बी सी, नेमिंग पर ध्यान दे दीजिएगा, जैसे आपका मन हो वैसे नेमिंग करिए, जो भी डिजिट लेना हो, यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए इसको, इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेनस ये इसलिए होता है, इसके आगे वाला, सामने वाला जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है ये हाइपोटेनस होती है, और इसके नीचे जो भी ये बेस होता है इसको बोला जाता है बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। ये पी से डिनोटेड है, ये बी से डिनोटेड है, और ये एच से डिनोटेड है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये तो ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन ये स्क्वायर रूट्स में भी इसको समझना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स स्क्वायर के ही बेसिस पर है। समझिएगा कि ये जो एच स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, या फिर हम लोग इसको दूसरे टर्म्स में लिखते हैं, जब एच निकालना होगा इस तरह, ठीक। तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा,
इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अभी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। होमवर्क आप लोगों को मैं अभी फोटो खींचकर इसकी भेज दूंगा, क्वेश्चन जो दिए हुए एक्सरसाइज में, क्योंकि कई बच्चों के पास आरएस अग्रवाल की बुक भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन उसी से प्रोवाइड कराऊंगा। कल बच्चे ने कहा था कि यहाँ बोर्ड में दिखाई नहीं देता है सर, तो आप फोटो भेज दिया करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।